फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। और अभी हम हैं ट्रेन में और बाहर का नज़ारा देखिए कितना सुंदर है। चारों तरफ कोहरा है, उगता हुआ सूरज है और ट्रेन के अंदर भी बहुत ठंडी है। आज सुबह मैं 3 बजे उठी थी तो मुझे बहुत नींद आ रही थी। मैंने सोचा व्लॉग नहीं करूँगी, पर मुझे व्लॉगिंग बहुत अच्छी लगती है तो मैंने एक छोटा सा व्लॉग बनाया है, बहुत प्यार से ज़रूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी हम ट्रेन से उतरे हैं, हम पहुँचे हैं रायगढ़ और हम जा रहे हैं मंदिर। अभी बज रहे हैं दोपहर के 1। सुबह हमारी ट्रेन थी 5:30 बजे की थी, तो बहुत जल्दी उठ के सारे काम करके ट्रेन पकड़ना पड़ा। तो उसके बाद हम ट्रेन चढ़ के सो गए थे, बहुत थक गए थे, तो अभी उतरे हैं। और मेरे साथ है मेरी मम्मी, मास्क पहन लो अच्छे से। और बाकी लोग जा रहे हैं आगे। और ठंडी बहुत थी ट्रेन में भी, मौसम बहुत ठंडा है और यहाँ हल्की हल्की धूप आ रही है, तो हम माता के दर्शन करने आए हैं। ये रायगढ़ स्टेशन है, ये उड़ीसा में पड़ता है और एक रायगढ़ है जो छत्तीसगढ़ में पड़ता है। और छत्तीसगढ़ से यहाँ उड़ीसा की हमारी जर्नी 6-7 घंटे की जर्नी रही है। हम रायगढ़ आए हैं मज्जी गौरी माँ के दर्शन करने के लिए। और उड़ीसा, ये जो रायगढ़ है, छोटा सा गांव है जहाँ का व्यू बहुत सुंदर है। चारों तरफ पेड़ पौधे हैं, पहाड़ियाँ हैं और हम मंदिर पहुँच चुके हैं अभी। आप कोई भी मंदिर चले जाइए, मंदिर के आसपास का जो वातावरण होता है बहुत ही शांति भरा और सुकून देने वाला होता है। मुझे तो ऐसा ही लगता है, कोई भी मंदिर जाने से बहुत सुकून मिलता है, मन को बहुत शांति मिलती है। और ये मंदिर के अंदर जाने का रास्ता है। मंदिर के अंदर कैमरा अलाउड नहीं था तो फिर मैंने कैमरा ऑफ कर दिया था। और माता रानी अंदर कुछ ऐसे दिखती हैं, बहुत ही सुंदर। जब लाइव देखते हैं तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल दिखती हैं। उसके बाद हमारा दर्शन हो गया और हम बाहर आ गए। ये पीपल का पेड़ है जिसकी पूजा हो रही है। यहाँ मन्नत के बहुत सारे धागे भी बंधे हुए हैं और हमारे हिंदू कल्चर में पीपल, बरगद, आंवला और भी बहुत सारे पेड़ों की पूजा होती है। यहाँ पे बहुत सारे दीप भी लगाए हैं, दिन भर यहाँ पूजा होती है। और हमारे दर्शन बहुत अच्छे से हो गए थे। आज शनिवार होने के कारण मंदिर खाली था। संडे को बहुत भीड़ होता है, कतार में लगे रहना पड़ता है, 2-3 घंटे लग जाते हैं दर्शन करने के लिए। पर आज संडे सॉरी सैटरडे था तो बहुत खाली था। इसके बाद हम गए खाना खाने के लिए और उसके बाद हमने पिया नारियल पानी। थोड़ा सा हमने यहाँ का लोकल मार्केट देखा जहाँ बहुत सारी सब्जियाँ थी, फ्रूट्स थे, यहाँ के लोकल चीज़ें भी थी। ये गांव होने के कारण ज़्यादा कुछ घूमने के लिए नहीं था। तो उसके बाद हम गए अपने रूम में और रेस्ट लिया वहाँ पे। तो ये मेरा एक छोटा सा व्लॉग था, कैसा लगा बताइएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अभी रात के 12 बज रहे हैं और हम स्टेशन पे आए हैं हमारी ट्रेन पकड़ने के लिए। बहुत नींद आ रही है हमें, पीछे में श्रद्धा है। तो आज दिन भर बहुत थक गए हैं। सुबह हम ट्रेन पकड़े थे, आज ही सुबह ट्रेन पकड़े थे, 12-1 बजे तक पहुँचे। फिर अभी रात के 12 बजे ट्रेन है। तो आज का वीडियो इतना ही है, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक ले, बाय बाय, गुड नाइट।